बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब गांवों की सरकार के लिए चुनाव आयोग की ओर से कवायद तेज हो गई है। बता दें, अभी तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे, मगर इस बार संभावना है कि मतदान में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, तो वहीं बिहार में अब इसकी अनुमति मिली तो यह हिंदुस्तान का पांचवा राज्य होगा जहां पर पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीद के लिए उच्च स्तरीय स्वीकृति मिल गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव कराए जाने और उस पर होने वाले करीब 450 करोड़ के बजट के प्रस्ताव पर जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। बता दें कि आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर करीब 300 करोड़ का बजट प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। माना जा रहा है कि इनमें 125 करोड़ की लागत से पंचायत चुनाव के लिए मल्टीपोस्ट ईवीएम खरीदे जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकतम 9 चरणों में पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के करीब 2,58,000 पदों पर मार्च से मई के बीच चुनाव होना है। पंचायत चुनाव के लिए खास तरह की ईवीएम की खरीद की जानी है। इनमें कंट्रोल यूनिट के साथ 8 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि एक साथ 6 वोट दिए जा सकते हैं।